पौड़ी के बैंसवाड़ी क्षेत्र में निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय के निर्माण ने कई घरों के लिए मानसून ने खतरा पैदा कर दिया है। हालांकि स्कूल का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था ने घर को खतरा होने पर नए आवास बनाने का दावा किया था, लेकिन आवास के तौर पर ग्रामीणों को सिंगल ईंट का अधूरा भवन देकर कार्यदायी संस्था गायब हो गई है। ऐसे में दिए गए मकान की छत नहीं बनाई गई, ना ही किसी तरह से इन आवासों का निर्माण पूरा हो पाया है, जिससे तमाम लोग जर्जर भवन में ही कार्यदायी संस्था की लापरवाही के चलते रहने को मजबूर हो गए हैं। इसी मामले पर डीएम ने कार्यदायी संस्था को दिए गए आश्वासन को पूरा करने और पक्का मकान देने के आदेश दिए। खेत बना के दिए जाए और मेरे मकान के मतलब पूरा पुख्ता मजबूत सीमेंटेड करके दिए जाए और मेरे जितना नुकसान हुआ है सर मेरे को मुआवजा दिया जाए। अगर ऐसी स्थिति है तो जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है, जो कार्यदायी संस्था है, उनसे बातचीत की जाएगी, उसका निराकरण कराया जाएगा।